विराट कोहली और सौरभ गांगुली के बीच चल रही खींचतान इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। चिन्नास्वामी में बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में कोहली और गांगुली ने हाथ तक नहीं मिलाया था। खबरें ऐसी भी हैं कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने दादा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से गांगुली और कोहली का रिश्ता इस कदर बिगड़ गया, आइए आपको पूरा विवाद बताते हैं। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है कि विराट और गांगुली के बीच आखिरकार कड़वाहट क्यों है, वो हम इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब विराट कोहली ने टीम इंडिया की T20 अंतर्राष्ट्रीय की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। UAE में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम कोहली की अगुवाई में औंधे मुंह गिरी थी और ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। हालांकि विराट ने पहले ही प्लान कर दिया था कि वो विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे, जबकि वनडे और टेस्ट टीम की बागडोर संभालते रहेंगे। असल विवाद की शुरुआत तब हुई जब साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुनी गई टीम के साथ, जहां सिलेक्टर्स और BCCI ने बड़ा कदम उठाते हुए वनडे की कप्तानी विराट से छीनते हुए टीम की बागडोर 50 ओवर के फॉर्मेट में रोहित शर्मा के हाथ में सौंप दी। दरअसल BCCI की चाहत थी कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट टीम में एक ही खिलाड़ी टीम की कमान संभाले। विराट ने वनडे कप्तानी से हाथ धोने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर उस समय BCCI अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे सौरभ गांगुली को झूठा बता डाला। दरअसल गांगुली का कहना था कि उन्होंने विराट को फोन करके T20 कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी और वनडे कैप्टनसी जाने की जानकारी भी उन्हें दी गई थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने साफ शब्दों में कहा था कि गांगुली ने कप्तानी को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं की और ना ही उनको कोई फोन आया। कोहली के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया था और यहीं से विराट और गांगुली के रिश्ते में खटास आई थी। इसके बाद विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का भी ऐलान खुद बखुद कर दिया। इस विवाद के बाद कोहली और गांगुली एक दूसरे से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते नजर आते। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम की आन बान और शान रहे हैं। सौरभ गांगुली ने जहां टीम इंडिया में को जीतना सिखाया, वहीं विराट कोहली ने टीम इंडिया को विरोधियों के सामने आंख दिखाना सिखाया। अब ये देखना होगा कि क्या ये विवाद थमेगा या नहीं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।